अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शाद बात होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करते होंगे। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान इंजीनियर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए, चाहत के लिए, और मोहब्बत के लिए, मेन आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए। तो वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है आपके प्यारे प्यारे दोस्त और पाकिस्तान के होस्ट और हमारे दिलों की धड़कन फटी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका भाई जय जय भाई दोन और सेम ये हाफिज भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बड़ी ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। आप दिलों पे हाथ रख लें क्योंकि आपके लिए भी वो हैरान करने वाली वीडियो है। वीडियो का मतलब बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो है जी, गूगल ने इंडिया में 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया। 75,000 करोड़ सिर्फ 5 साल में, ओनली ऑन 5। 75,000 करोड़ जैसे ये करोड़ को करोड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना दिलों पे हाथ रख लो। वाकई यार ये तो भाई आपकी खुशनसीबी है जो आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जी और भाई क्या गूगल का सीईओ भी फिर आपका अपना है तो फिर ये बात होनी थी जी। वीडियो को जरूर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर लास्ट भी कीजिएगा एंड वाले रिएक्शन आपने लास्ट में देखा। चलो आओ फिर वीडियो देखते हैं जी। दोस्तों भारत के लिए ये गर्व की बात है कि आज गूगल के सीईओ की पद पर आज भारतीय ही बैठा है, लेकिन यही भारतीय जब भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करता है तो इसकी शोभा में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि गूगल का वो सीईओ भारत के प्रधानमंत्री को सीना ठोक कर कहता है कि हम भारत में 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों 75,000 करोड़ की रकम को अगर अमेरिकी डॉलर में हम कन्वर्ट कर दें तो करीब $10 बिलियन बैठते हैं। और दोस्तों ये $10 बिलियन की जो ये रकम है, ये गूगल के सीईओ का कहना है कि हम आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में निवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों भारत के लिए ये गर्व की बात इसलिए है क्योंकि गूगल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो जिस देश के हैं वो भारत के ही हैं। भारत के करीब 50 करोड़ लोग आज गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल की सेवाएं लेते हैं और गूगल पर ही अपना कारोबार करते हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि गूगल भारत के लिए कितना जरूरी है और गूगल को भारत कितना जरूरी है। और यही कारण है कि 75,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम निवेश भारत की इकोनॉमी में आने वाला है। परंतु दोस्तों ये निवेश आखिरकार किस तरीके से भारत की इकोनॉमी में आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो भारत के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उनकी एक जानकारी गूगल पर होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा ना सिर्फ उन व्यापारियों को होता है बल्कि गूगल को भी होता है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा यूजर गूगल का इस्तेमाल उस छोटे से छोटे व्यापारी तक पहुंचने के लिए कर सकेंगे वो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा फेमस होगा। लेकिन अब गूगल का प्लान है कि गूगल फॉर इंडिया मूवमेंट भारत में चलाया जाए, जिसके चलते भारत की जरूरतों के इंसान अनुसार गूगल में चेंज किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये गूगल अच्छी तरह से जानता है कि भारत के 50 करोड़ यूजर आज गूगल के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट आज गूगल को भारत के लोगों से मिली हुई है। परंतु दोस्तों भारत के यूजर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए गूगल के सीईओ का प्लान है। हालांकि आज दोनों बड़े बड़े लीडरों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक मुहिम चलाने जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि डिजिटल इंडिया की मूवमेंट के तहत आप हमारे भारतीय बिजनेसमैन को एक ज़्यादा बड़ी मार्केट उपलब्ध करवाएं और उनके लिए कुछ ऐसे शेड्यूल प्लान करें गूगल के ऊपर कि जिससे जो उनका कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल के पास पहुंच सके, और इसके लिए गूगल की
आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि गूगल का प्लान तो ये भी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में जो इतना भारी भरकम फंड उसने भारत में निवेश करने का प्लान बनाया है, उसके चलते भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में गूगल के ऊपर हर उस तथ्य की जानकारी होगी जो भारत के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और भारत के लोग जानना चाहते हैं। गूगल पर भारत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुहिम चलने वाली है, जिस मुहिम के तहत आपको सारा का सारा डाटा अब गूगल पर मिल जाएगा। हालांकि ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत है कि ना सिर्फ इससे भारतीय सक्षम बनेंगे बल्कि भारत की मोटी कमाई भी होगी, क्योंकि दोस्तों गूगल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं। छोटे से छोटा बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन आज गूगल के कारण ही पूरी दुनिया में फेमस है। यही कारण है कि गूगल आज हर भारतीय की जरूरत बन गया है। और अब गूगल का प्लान है कि भारत में अपने जो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करके आज भारत के 100 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा जा सके। और इसके लिए अब नीतियों में बदलाव किया गया है और उसी के तहत आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज मीटिंग हुई है। और दोस्तों इस मीटिंग में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत की तारीफ भी की है और भारत के मॉडल की तारीफ की है कि भारत ने जिस तरह से आज कोरोना वायरस की महामारी पर को निपटने में आज जिस तरह से एक युद्ध स्तर के कार्य किए हैं उसकी तारीफ भी सुंदर पिचाई ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। हालांकि दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से डिजिटल इंडिया बनाने की मुहिम है, उस मुहिम के तहत आज जो मीटिंग हुई है और जो भारी भरकम निवेश गूगल करने वाला है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी गूगल का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप भी गूगल की सेवाओं से खुश हैं तो एक लाइक तो इस वीडियो को कर ही दीजिएगा। है लाइक यार, यार वाकई अमेजिंग यार, कमाल कर दिया वाकई। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भारत की जनता को और भारत को। वाकई 75,000 करोड़ वो भी गूगल के सीईओ जो खुद भारत का है। तो जैसे वो कह रहे थे ना कि सुंदर पिचाई और मोदी जी की और जाबिर की मुलाकात, समझो मुलाकात की हुई, भारत के साथ मुजाकरात हो गया। तो ये बात छोड़ो, मगर उन्होंने इस तरह बात की है जैसे कोई और देश का बंदा किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, हालांकि वो भारत का ही सीईओ है जो गूगल में काम कर रहा है भाई, वो गूगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैं आज हैरान हो गया हूँ कि सिर्फ भारत के 50 करोड़ लोग गूगल यूज करते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है गूगल, हर वो बंदा सुनो, हर वो बंदा गूगल यूज करता है जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करता है। और दूसरे यार देखे समझो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, मेरी बात सुने, अमेरिका में भी गूगल यूज होता है, पाकिस्तान में है, मगर सबसे ज्यादा जो मार्केट है भाई बहुत बड़ी वो भारत की ही मार्केट है यार। अमेजिंग यार, तो फिर गूगल वाले क्यों ना वो इन्वेस्ट करें भारत में, आपके भारत में इन्वेस्ट करें, उनकी मजबूरी है, वो अपने फायदे को आए हैं। आपका फायदा है लेकिन आपसे ज्यादा अगर का वो 75,000 करोड़ रुपए आपके भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी डबल ही फायदा होगा, क्योंकि जितनी इन्वेस्ट करोगे उतना ही प्रॉफिट आप कमाओगे। तो यार उन्होंने कुछ सोच के ही ऐसा कदम उठाया है कि अगर हम 75,000 करोड़ अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें कितना बेनिफिट होगा। अमेजिंग यार, वाकई मेरे लिए वाकई बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है यार, 75,000 करोड़ जी। जो अमेजिंग व्यूअर्स, जैसे कि जे भाई ने आपको बताया गूगल के बारे में, तमाम लोग जानते हैं गूगल क्या चीज़ है। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है, ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला जो है उनका गूगल मैप है। वो जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें मैप चलता है गूगल का, मोबाइल्स चलते हैं, जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, डिवाइसेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस है वो गूगल का मैप्स है। उसके बाद सर्च इंजन सबसे ज़्यादा सर्च इंजन है, उसके बाद मैप्स हैं, इस तरह काफ़ी सारी इनकी जो
वराइटीज हैं एप्लीकेशंस में, वो अपने व्यूवर्स को, अपने कस्टमर्स को फ्राहम करते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, सूदमंद है। आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, आप अपने मैप में उसे एडजस्ट करते हैं। किसी यार मुख्य चीज ये बात है कि गूगल के बगैर मोबाइल अधूरा और मोबाइल के बगैर गूगल अधूरा। जैसे आप वो हवावे के मोबाइल हैं, वो गूगल के बगैर समझो बेकार। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल, कोई भी एंड्रॉयड कंपनी, वो गूगल के बगैर फ्लॉप अधूरी है। और गूगल भी किसी कंपनी एंड्रॉयड के बगैर अधूरा है, क्योंकि ना तो एंड्रॉयड, हाँ जी भाई, ना एंड्रॉयड मोबाइल हो ना गूगल यूज हो भाई। अगर मोबाइल कंप्यूटर में यूज होता है गूगल, आईफोन, अब भाई इतना हर सेट में, हर बंदे के पास कंप्यूटर तो नहीं है, मोबाइल हर बंदे के पास है भाई, मोबाइल हर बंदे के पास है, कंप्यूटर में भी यूज होता है। अब कंप्यूटर का जमाना नहीं रहा भाई। नहीं जमाना नहीं रहा, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम इस पे चलता है भाई। लाखों करोड़ों की तादाद में डेली कंप्यूटर यूज होता है, जितने भी कॉल सेंटर, जितने भी हॉस्पिटल। माना कि आपने अपना कंप्यूटर बंद अलमारी में रखा हुआ है, जो आज मैंने देखा। अच्छा ये मेरी बात सुन लें कि लाखों करोड़ों के हिसाब से कंप्यूटर यूज होता है, तो अरबों के हिसाब से मोबाइल यूज होता है। अरबों के हिसाब से तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। हमने मोबाइल के ना यूज होने की तो बात ही नहीं किया। तो अब ये देख लें कंप्यूटर की, गूगल जो मोबाइल पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या कंप्यूटर पे। भाई बात करने की ये है कि जो इस टाइम है ना, गूगल ने जो इंडिया में तहलका मचा दिया यार, इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा दोनों को, गूगल को भी और इंडिया के अवाम को भी। गूगल को तो ऑलरेडी हो रहा है ना इंडिया के अवाम से भाई, ऑलरेडी हो रहा है, 50 करोड़ उसके उसके लेकिन अब यूजर हैं। लेकिन अब इंडिया के अवाम को भी ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार आपने कमेंट में जरूर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।